सुप्रीम कोर्ट इमरान खान जो लॉन्ग मार्च रोकण लाए उबूरी हुकुम जारी करण वाले हुकूमती इस्तदार रद्द करे छी। इमरान खान खिलाफ तोहिने अदालत की दरख्वास्त से बुधनी दौरान अटॉर्नी जनरल लॉन्ग मार्च रोकण की इस्तदा कदे इमरान खान शागिर्दन आवाम के भड़काए रो है। अदालत रिपोर्ट्स जो जायजो वे चीफ जस्टिस इस्तदा रद्द कदे असा पॉलिटिकल एक्टर्स नाहूं न वरी को सियासी कदम खणी सकूं था जेका शे थी नाहे उनते केड़ो हुकुम दियूं। अदालत खयालन ते को हुकुम जारी नथी करे सके। रियासत पेंजी जिम्मेवारी पूरी करे अदालत दरख्वास्त ते वधीक बुधणी 26 अक्टूबर ताईं मुल्तवी करे छॾी। इलेक्शन कमीशन सुभाणे तोशाखाना रेफरेंस ते फैसलो बुधाण जो ऐलान करे छड्यो। अगूणी वज़ीर आज़म इमरान खान समेत ॿियनि धुरिन खे नोटिस जारी। हुकूमत पारां जमा करायल रेफरेंस में चयो वियो आहे त इमरान खान तोशाखाना मां वरितल तोहफ़ा विकिरो कया ऐं उन मां हासिल कयल रक़म जा तफ़सील पंहिंजनि असासनि में ज़ाहिर न कया, तंहिं करे खेसि नाअहल करार ॾिनो वञे। पीटीआर सरबराह इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस में 7 सेप्टेम्बर ते पंहिंजो लिखित में जवाब इलेक्शन कमीशन वटि जमा करायो हो। कमजोर छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और जो बड़े बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी जिन्होंने की हो वो दंदनाते फिरे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। 60% कैबिनेट जमानत पे है और आसिफ जरदारी उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे। नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। सिंध का गवर्नर बनाया है, वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। जिसके ऊपर इन चरा के चोरों को बिठा दो तो ये सियासत नहीं है, अब ये जहाद है, इन चोरों के खिलाफ जहाद है। इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। मैं समझता हूं कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहता। पीटीआई सरबराह इमरान खान चयो आहे त कुझु ॾींहनि में लॉन्ग मार्च जो ऐलान करण वारो आहियां। मुल्क खे तबाह करणो हुजे त इक़्तदार चोरनि हवाले करे छॾिजे, चोरनि जी ग़ुलामी खां बहितर आहे त मौत अची वञे। सरगोदा में शागिर्दनि खे ख़िताब कंदे इमरान खान चयो त कुझु सियासतदान अवाम जो नालो वठी इक़्तदार में ईंदा आहिनि, पोइ फुरलुट करणु शुरू करे छॾींदा आहिनि। मुंहिंजो नालो ॿुधण सां मुख़ालिफ़नि जूं टंगू ॾकणु शुरू थी वञनि थियूं। सिंध के गवर्नर आई मौला जट के दिसो तो को फर्क नजर न इंदो। हाथ नहीं मिलाना चाहता, 4 साल तो हाथ नहीं मिलाया, अब आप कहते हैं हमसे आके बात करें। ये धोखलापन ये कब तक चलेगा ये? लेकिन फॉर द नेशनल इंटरेस्ट हम उसके लिए तैयार होंगे। जो कौमी जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको हमने सामने रखना है। उसके लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। कैपिटल जो पॉलिटिकल कैपिटल झोंक दिया पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए, सियासत को मैं एक दफा नहीं करोड़ मरतबा पाकिस्तान के अजमत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह कोई तरीका नहीं कि आप मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। इस तरह कौम नहीं बनती, इस तरह मुल्क नहीं बनते, इस तरह निजाम नहीं चलता। इमरान खान 4 सालनि ताईं हथ न मिलायो, हाणे चवे थो ॻाल्हियूं कयो। इहा बिटी पॉलिसी केसि ताईं हलंदी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी पीटीआर चेयरमैन ते तनक़ीद। वज़ीर आज़म चयो त बिना सबूतनि जे असां मथां इल्ज़ाम हयां विया ऐं अदालतुनि में घेलियो वियो। ही शख़्स मुआशिरे में ज़हर उगाशे नौजवान नसल खे गुमराह करे रहियो आहे। इमरान खान पारां ऑडियो लीक जे जांच ऐं वीडियो ऑडियो लीक जारी थियण खां रोकण लाइ सुप्रीम कोर्ट सां राब्तो। जांच लाइ अदालती कमीशन या जीआईटी जोड़ण जी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल करायल दरख़्वास्त में इमरान खान मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त वज़ीर आज़म ऑफिस या हाउस जी निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग ऐं ऑडियो लीक्स खे गैर क़ानूनी क़रार ॾिनो वञे।
ऑडियो लीक्स के जिम्मेवार की जांच कर सजा दिनी वे दरख्वास्त बेघरू दिफा आईटी वाली वजारत आईबी एफआईए पेमरा के धुर बनाया वो पीटीआई अगवान फवाद चौधरी है तो लॉन्ग मार्च समूह तैयार मुकम्मल कुछ डी में ऐलान वो आवाम के भी लॉन्ग मार्च की तारीख जो इंतजार है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे फवाद चौधरी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कम कर रो है जन वो पीटीएम जो हिस्सो अचे On behalf of Sayyid Nabi Sir, of the Minister of Commerce, that the bill further to amend the Anti-Dumping Duties Act 2015, as passed by the National Assembly, be taken into consideration. Is it opposed? No. Thank you, Mr. Chairman. I beg leave to move Order Number 32 on behalf of the Minister of Commerce that the bill further to amend the Anti-Dumping Duties Act be moved. Those who are in favor of it, the motion may say aye. Those who are in favor of the motion may say aye. सेनेट फौजदारी कानून में तरमीम समेत चार बिल मंजूर करे वरता अपोजिशन जो एहतजाज पीटीआई मेंबर्स पारा सेनेट चेयरमैन की टाइस जो घेराव आजम सवाती जा प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करो जा नारा वफाकी वजीर शेरी रहमान बिल पेश कयो त अपोजिशन गोड़ शुरू करे छो अपोजिशन के हंगामे बाद इजलास सुभाणे ताईं मुलतवी आगूने सदर आसिफ जरदारी खिलाफ अपीलू वापस वारी नैब की दरख्वास्त मंसूर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आगूने सदर आसिफ जरदारी की चार केसेस में बरीयत खिलाफ नैब जो अपीलू खारिज कर छूं चीफ जस्टिस रिमार्क दीदे नैब की अपीलू वापस वारी दरख्वास्त मंसूर कर रहा हूं एफआईए पारा साइफर की जांच जारी अगोणे वजीर आजम इमरान खान के अगोणे सेक्रेटरी आजम खान के सदाए वरतो एफआईए आजम खान के 25 अक्टूबर से डी जो एक वगे ऑफिस में पेश थे की हिदायत कई है। एफआईए साइफर बाबत इमरान खान आजम खान विच में थियल गाल बोल बाबत जांच कर रही है। सिंध हाईकोर्ट एन ए 237 मलीर जो चून नतीजो रोकने वाली पीटीआई की दरख्वास्त रद्द कर छी अदालत है तो दरख्वास्त बुधन जोगी ना दरख्वास्त गुजार इलेक्शन ट्रिब्यूनल से राबो कर पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी बीपी जे हकीम बलोची कामयाबी के चैलेंज कयो हो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बेल्जियम के सफीर चार्ल्स जोसेफ की मुलाकात गडल दिलचस्पी वारन मामलन खते की सलामती बन मामलन के ख्याल की देवत आईएसपीआर मूजिब बेल्जियम के सफीर पाकिस्तान में बोर सबब थियल तबाही से दुख जो इजहार किया खते में इस्तेकाम लाए पाकिस्तान की कोशिशों की वाखाण सिंध के तालीम बारे वजीर सरदार शाह पारा उस्ताद के टीचिंग लाइसेंस दियण जो ऐलान सरदार शाह है तो डॉक्टर सही वकील प्रैक्टिस लाए लाइसेंस आन तो उस्ताद पढ़ाण लाए छो ना टीचिंग लाइसेंस रखी सन सिंधु मातरी के मान तारीख में कदें भी कें हम ना किया सिंध के आगाटरी तहजीब में किथा भी जंगी अचार ना मिलया बार सिंध की तहजीब इंडस वैली बाबत आगाही दियण घुर्जे बार बुधान घुर्जे तो मुंजो दड़ो में को भी हथियार न मिलो है।
सिंध के मुख्तलिफ जिलों जहा एसएसपी तब्दील फैसल बशीर मेमन के कोरंकी मां बदली कर एसएसपी ओलह मुकर्र वो साजिद अमीर सदोसई एसएसपी कोरंकी मुकर्र साजिद सदोसई की जाए से मोहम्मद तारिक नवाज के एसएसपी सीटीटी मुकर्र वो अब्दुल खालिक एसएसपी दादू आबिद अली बलोच एसएसपी थरपारकर मुकर्र कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली के एसएसपी शिकारपुर मुकर्र करने नोटिफिकेशन जारी शिराज नजीर के हटाए सीसीपीओ रिपोर्ट करने की हिदायत सिंध में 70% बरसाती पानी निकाल थी वो है जरई जमीन के भी जल्द कणक की पोखी ला तैयार कर वी वे वजीर मुराद अली शाह की वजीर आजम की सदारत हेठ थे इजलास के ब्रीफिंग मुराद अली शाह जो सिंध में कणक की बिज ला 30 लाख बैग की जरूरत है बिज की विरासत ला तालुक सतह से कमेटियों जोड़ी व्यू हैं निगरानी ला सूबाई सतह से मॉनिटरिंग सेल जोड़ो पे वे वजीर आजम पारा वे वजीर के सहकार की खातरी कराई वही मीरपुर खास डिवीजन में बोध की तबाही बाद पानी के कुदरती वहकर की जमीन जो दिनल सरकारी लीजू ग्रांट्स रद्द कमिश्नर मीरपुर खास लीजू रद्द करने बाबत नारा कैनाल के डायरेक्टर के जवाबी खत लिखी छो खत में जिथे जिथे कब्जा बरकरार आन 7 दिन अंदर निशानदही कई वे कब्जा खत्म न कदड़ लाए 10 साल कैद 10 लाख रुपया दंड की सजा होंगी नारा कैनाल के डायरेक्टर्स लीजू रद्द कराने लाए कमिश्नर के खत लिखे हो सिंध में बोर मुतासरन की बहार नथन खिलाफ लालू रांक में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की अगवाणी में इंडस हाईवे से धरणो सिराजुल हक चयो तो वफाक सरकार और सिंध हुकूमत आलमी बिरादरी का 2 अरब रुपया मिलने बावजूद मुतासर की का मदद न कर रही है मुतासर रोड रस्तन से वेठल सिराजुल हक मेहड़ में उमिर बाब चांडियो के घर पहुंची साणस वालिद चाची और डाडे की कतल से ताजियत भी कई सिराजुल हक चयो तो मुल्क में कानून की हुक्मरानी न होने सबब मेहड़ जड़ा सभी वाकया थन था बस घर धर अन्न माल ये वो तकलीफ पानी रस्तों भी हिम्मल ताणी ना पानी सही घो हो 16-17 फुट हो मथे पानी हो कहते सजो मुड़ी वो घर धर सब डही पा ये हल तो पानी अं निकली कुछ हल तो बुढ़ा पे पानी सही मथे लासा को मथे बुढ़ल सही सियारो तो पाल पाल से मन ठाईंदे वही उस पास छपरी डेई बलोचिस्तान में बोड तो खत्म थी वही पर बीठल पानी अन्या नेकाल न थी सको जल मक्सी जिले के अक्सर शहर गोठन में अन्या ताई पानी बीठल केटीएन न्यूज टीम पारा बलोचिस्तान के बोड सटल इलाकन की कवरेज बोड मुतासर बलोचिस्तान वासी बलोचिस्तान हुकूमत में मायूस कुछ हंधन से पानी लहण बाद फसल की तैयारी मिठा में राण में मिलबो
वठी हर हर जन्म वरबो मिठा मेहरान में बिलबो सिंह यगानी आशिक जुम्मन दरबदर के धरती मां पांच हंझ वठी छो असी वरन की जमार में लड़ानो करे वेल जुम्मन दरबदर की मड़ के जनाज निवास बाद उमरकोट बरसा गोठ रूहलवा में मिट्टी में हवाले कर वो पर डही वजीर बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह पारा जुम्मन दरबदर के लाडाने ते दुख जो इसार सिंध में पैरामेडिकल अमले पारा रिस्क अलाउंस खत्म करने खिलाफ चौथे डी भी ओपीटीज जो बायकॉट कराची हैदराबाद लाड़कानो सखर नवाबशाह जैकबाद थारू शाह दादू हाला मीरपुर भठोरो भान सैदाबाद मीरपुर बुरड़ो टंडो आदम खानपुर बेन शहर में एहतजाज कर पैरामेडिकल अमले के एहतजाज सबब मरीज रुली वया जगाती तौर पर सडनली ये नोचे सज तो कैसे चुनो पर उनके टारगेट अस 5000 मण पर एकड़ के हिसाब से रखो उम्मीद है इंशाला उन्हें कामयाब थी पर ही तजुर्बाती तौर पर कदम ही 5000 लही तो वे तो ये समझो तो अस इन 15 एकड़ की उपज अस 3 एकड़ में वी सिंध की ज़रात ला चंगी खबर हाने कमन के नई जिन्स जरिए कमन की फी एकड़ उपत 5000 मण भी थी सके थी सालेपट में वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की ज़रई जमीन में पोखल कमन की नई जिन्स जो फसल तैयार थी वो खुर्शीद शाह केटीएन न्यूज़ से गलते कमन की नई पोखल जिन्स जो कद 19-20 फुटन ताई थी वो है मुल्क में आमतौर से फी एकड़ में 600-700 मण उपत थी है नई जिन्स में फी एकड़ 5000 मण कमंद उपत थियण की उम्मीद है थारू शाह वेछो कुछ डी अग अगवा थियल नींगर के पुलिस बाजियाब कराए वरतो पुलिस पारा जैन राजपूत के मुकाबले बाद बाजियाब कराने की दावा पुलिस जो चवण है नींगर के गोठ कोड़े जो भाण भरसा बाघ में बाजियाब कराए वो अगवा में मुलविस जवाबदार फरार थी वो खेस जल्द गिरफ्तार किया वो बरतानी वजीर आजम लिस्टर्स मुल्की मईशत बेहतर करण और महंगाई घटाने में नाकामी से इस्तीफा दे छी डेढ़ महीनों अग बोरिस जॉनसन की इस्तीफा का इकतदार संभालींदड़ लिस्टर्स महंगाई घट न थियण एतराफ़ कदे वजारती उस्मा और कंजरवेटिव पार्टी की सरबराही से इस्तीफा दिनी फैसले का बादशाह चार्ल्स के भी आगाही लिस्टर्स नई वजीर आजम की चूंड ताई कम जारी रखंदी लिस्टर चवण है तो मईशत बेहतर करण के अज़म से इकतदार संभाले हो पर ये नहीं सको T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ई के नाई मैच में श्रीलंका नेदरलैंड के 16 रन तक शिकस्त दे छी श्रीलंका पारा दिनल 163 रन के हदफ पुठियां दौड़ंदड़ नेदरलैंड 9 विकेट से नुकसान से 146 रन ठाए सकी इवेंट के 10 मैच में गडल अरब इमारात की टीम हथा नमेबिया के शिकस्त